Sasuelo. इतनी बहादुर कौम है, वो तनख्वाहदार मुलाजमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है बलोच ने, उनके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे। वो जिन साम्राज्य कुवतों के तलवे चाटते हैं ना बलोच ने, उनका तो मुंह की बात है। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलोच को डराया जाए, और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो बलोच, आज बलोच तेरी बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखें, उनके लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया। मगर वो डरा न सके इस कौम को, उस कौम को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती है, वो डर के मारे खामोशी अख्तियार करती है। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और रोशनी से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजान औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फखर से ऊपर हो रहा है, मुझे फखर है आप सब पर। मुझे आज इस जलसे में इंकलाब की बू आ रही है, वो इंकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकलाब जिसके लिए ये माए 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी आंखों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। कि जब आपकी औरतों के असली
que a més per a dar per a qui t'ho crema. Amiga de pell que s'agarcaré i vol duia vina. On la meva feta man, feta man. On m'ha de dir que et pares com com ara per a peix dia i que per a saber per a gusto. Me ha fet com a tan negatiu i per negatiu i neia. Perquè ens ha de veure més llum que d'arbiant jungle, o jungle Pakistan i Txeria. Que tot a jari d'ell, tot a pelots, tot és d'on paisa me i banyatai.
थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए, और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह उठाकर मेल लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस कटरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीम यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन नीम दीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, पलाच के मुस्तकबिल के लिए अपना अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाके थी माएं उसके लिए जदोजहद करें? लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो कंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आईन जो है ना, उसकी सफ़े पर भी नहीं है। हम वहां गए, हमने उसके अतिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो, बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकान से डूब मरना चाहिए। जब बालाश की लाश को टेंगा गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। कोई ऐसा आया ही नहीं जो बलूचिस्तान के जैनवान खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे, हमारे पास 80 साल की घूमी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरत फैलाए, और हमने उस नफरत को जस्ट किया। अब क्या किया जाए? अब उनको कैसे रोका जाए? कैसे इनको पीछे धकेला जाए? जिन्होंने हमें लावारिस करार देकर 30 दिन एक कैद खाने में रखा, कातिलों को हमारे सामने बिठा दिया कि जाओ मारो बलोचों को। सब बनने की जरूरत है, अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझे। मनाओ अपना कौमी जिम्मेदारी, बंद तोड़ो, नसीबी की दुआवार मसूर।
lì. Non quella varo e non ti può avare. Non te la muovo, pinta con un pantalone, se la fai in cascia con un pantalone già ferito. Non la fate la voi. Da San Lottare, che sa scanditi da voi. Pantalone maslumi, maslumi e ne lo ti da voi. Dare la sacca, ci vuole un'idea di fare, se ne ti valuta se per l'altro gianche.